विश्वविद्यालयों में छात्र राजनीति जो होती है वो छात्रों के मसलों से जुड़ी हुई होती है, उनके रहन सहन, उनकी हॉस्टल की जरूरतें, उनके शैक्षिक जो सुविधाएं उनको दी जा रही है उसको लेकर। लेकिन पिछले कुछ दशकों में देखा गया है कि किस तरह से छात्र राजनीति को या उस कैंपस को सियासी अखाड़े में तब्दील राजनीतिक पार्टियां करती हैं, और यही मसला कुछ देखा गया जेएनयू वाले पूरे मसले पर भी। प्रदीप सिंह जी, आपसे जानना चाहूंगी, इस सरकार को एंटी माइनॉरिटी, एंटी ट्राइबल, फ्रीडम ऑफ स्पीच की स्वतंत्रता नहीं है, ये सारे जो आरोप लगाए जा रहे हैं, और राजनीतिक पार्टियां वो राहुल गांधी और तमाम और पार्टियां हों जो इन तमाम कह सकते हैं कि इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल जो करती हैं पॉलिटिकल डेस्टिनेशन के रूप में, आपको लगता है कि ये छात्रों की जो राजनीति थी उसको हाईजैक कर लिया गया है, उसका बड़ा नुकसान छात्रों को ही होने वाला है? बिल्कुल, आप देखिए पिछले कुछ सालों में जो स्थिति बनी है, देखिए छात्र आंदोलन भी पहले होते थे, छात्र राजनीति भी चलती थी, लेकिन उनके मसले अलग होते थे। वो उनके अपने विश्वविद्यालय के मसले होते थे, करिकुलम को लेकर मसले होते थे, कुछ दूसरे मसले भी होते थे। आज जो छात्र संघों की स्थिति है, विश्वविद्यालयों की, खासतौर से बड़े विश्वविद्यालय या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को कह लें, वहाँ एक तरह से वो रेप्लिका बन गए हैं नेशनल पॉलिटिक्स का। जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज में डिवीजन है, जो इश्यूज पॉलिटिकल पार्टीज के हैं वो छात्र संघ में पहुंच गए हैं, उन पर विश्वविद्यालय के बारे में कोई बात नहीं होती है, वहां का स्तर सुधारने की के बारे में कोई बात नहीं होती है, वहां आंदोलन होता है, बात होती है जो उनके जिनके समर्थक हैं राजनीतिक दल उनके, उनकी राजनीति की बात होती है, उनके मुद्दों की बात होती है, वो हावी हो जाते हैं। और जिस तरह के आरोप राहुल गांधी ने लगाए, कांग्रेस के दूसरे लोगों ने लगाए एंटी दलित या एंटी ट्राइबल होने का, उनको कम से कम तथ्यों की ओर नजर डालनी चाहिए कि एक करके धीरे धीरे पूरा ट्राइबल बेस जो था कांग्रेस का वो खिसक गया, आज बीजेपी के साथ है। तो अगर एंटी ट्राइबल है बीजेपी, तो ट्राइबल क्यों बीजेपी के साथ जा रहे हैं? लोकसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर दलितों ने बीजेपी को वोट दिया, तो क्यों दिया, कांग्रेस को क्यों नहीं दिया? अगर बीजेपी एंटी दलित है और कांग्रेस प्रो दलित है तो कांग्रेस को क्यों नहीं दिया? तो उन तथ्यों के बारे में भी सोचने की जरूरत है। नारायण जी, राहुल गांधी का ये बयान कि जो यूनिवर्सिटीज के वीसीज हैं वो आरएसएस के हो गए हैं, इस तरह का जो स्वीपिंग जो रिमार्क है, नहीं तो देखिए, और वो जो तथ्य जो आज स्मृति ईरानी ने रखे सदन में, और उन्होंने कहा कि उस कमेटी भी कांग्रेस के जमाने की है, बाकायदा कांग्रेस के नेता जो थे उन्होंने वीसी के खिलाफ लिख के दिया था। तो आज जो तथ्य हो गए, कल राज्यसभा में क्या देखने को मिलेगा? इन तथ्यों के बाद क्या बहस का कोई कारण अब बचेगा? राज्यसभा में विपक्ष के पास कुछ बहुत ही ब्रिलियंट लोग हैं, और यहाँ पर तो राहुल गांधी हैं, वो बेचारे अब सबको आरएसएस वाला कह रहे हैं। तो आपकी पार्टी ने तो भर्ती किया, सारे वीसी उसी टाइम के तो हैं। स्मृति ईरानी ने जिस तरह से, जिस डेक्सटरिटी के साथ इन लोगों का मजाक उड़ाया है, तो वो तो आपने देख लिया कि सब कुछ उन्होंने बता दिया। भाई तुम गिना दिए, इतने चांसलर तुम्हारे, इतने वाइस चांसलर तुम्हारे, इतने कमेटी एग्जीक्यूटिव सब तो तुम्हारा ही है। तो वो उनको ये कहना, स्वीपिंग स्टेटमेंट लेने कोई मतलब नहीं। दूसरा, ये प्रदीप सिंह ने कहा कि भाई आप दलितों को अपने साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो टामक टोइया मार रहे हैं। दलित तो सारे इनके साथ थे, लेकिन आप पिछले 40 साल में जब से वंशवाद की राजनीति आपने शुरू की, तो आपने उसको तबाह किया। और आज कांग्रेस जो है, राहुल गांधी के इर्द गिर्द क्यों मंडरा रही है? कांग्रेस का हर बड़ा नेता राहुल गांधी ज्यादा काबिल है, उनके एज ग्रुप के जो लोग हैं उनसे ज्यादा काबिल हैं। तो भाई राहुल गांधी अगर नेता बने रहेंगे तो देश आपके साथ क्यों आइडेंटिफाई करेगा? तो एक बात जो है वो कांग्रेसियों को ज्यादा समझनी चाहिए, एक मजबूत विपक्ष का रहना बहुत जरूरी है, जवाहरलाल नेहरू कहा करते। तो आप अगर एक मजबूत विपक्ष के रूप में ही रहना है, लेकिन इस तरह से अगर आप कहीं भी चले जा रहे हैं प्रदीप सिंह जी, आज ये भी देखा गया, चर्चा जब शुरू हुई तो तमाम पार्टियों के नेताओं ने अपने अपने सवाल रखे इस चर्चा को लेकर, लेकिन जवाब देने के समय कई सीटें खाली थी विपक्ष की, तो ऐसा क्यों हुआ? और क्योंकि आम जनता के पास वो सारे सबूत पहुंचते नहीं हैं, ये जो हो हल्ला करके आप किसी भी राजनीतिक एक मुद्दे को राजनीतिकरण कर देते हैं और उस पर इतना विवाद पैदा कर देते हैं, उसको एक एक परत दर परत करके जिस तरह से स्मृति ईरानी ने खोला, ये हर मुद्दे पर तो आसान नहीं है, लेकिन ये जो राजनीति हो रही है ये किस दिशा में फिर अब जा रही है? नहीं, उससे बड़ा साफ है कि मतलब जो आपने मुद्दे उठाए उन पर आप उतनी संवेदनशीलता से सोचते नहीं, महसूस नहीं करते। अगर होता तो उत्तर देने तक आप वहां रहते, वहां सुनते कि मंत्री ने क्या जवाब दिया। आप सदन में नहीं तो बाहर जवाब दे सकते थे, राज्यसभा में
पूरक सप्लीमेंट्री पूछने का चलन है, यहाँ लोकसभा में नहीं है। लेकिन आज जिस तरह से सिलसिलेवार और तथ्यों के साथ स्मृति ईरानी ने जवाब दिया है, मंत्री ने भी एक बार फिर से कहा कि वो जो बोलते हैं वो बहुत सोच समझ कर बोलते हैं और गोपनीयता की शपथ ली है, इसलिए कुछ चीजें उन्होंने उन्होंने एक संकेत दिया कि उन्होंने जो बोला था वो ऐसा नहीं कि ऑफ द कफ रिमार्क है या कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने के लिए उन्होंने कुछ कह दिया। इसका मतलब उनके पास कोई इंटेलिजेंस इनपुट है जिसके आधार पर उन्होंने वो कमेंट किया था। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। और आज की चर्चा से सरकार ने अपना पक्ष भी और तमाम उन तथ्यों को न सिर्फ संसद के सामने रखा बल्कि देश की जनता के सामने भी रखा, जिसके सामने तमाम राजनीतिक पार्टियों ने इन दोनों मसलों का सिर्फ राजनीतिकीकरण करा और तमाम तथ्यों को पीछे रखा और छुपा के रखा, उनका आज खुलासा किया गया है कि जिससे कि देश की जनता अपनी एक राय कायम कर सके इन मसलों को लेकर। चर्चा में आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, एक बड़ी चर्चा के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।